का फिर आप लोग का नेक्स्ट क्लास होगा जिसे 4.2 में आप लोग लगता है क्या लॉकडाउन में आप लोग भी लॉकडाउन हो गए हैं पूरा पूरा कभी कभी पढ़ना छोड़ दिए क्या आजकल। उसमें देखिए 4.2 में दो ठो क्वेश्चन बचा हुआ था उसमें कोई नहीं पूछ रहा था लेकिन क्वेश्चन हार्ड था इसलिए हम उसको फिर बता रहे हैं 13 नंबर और 14 नंबर दो क्वेश्चन और बताएंगे इस तरह से 4.2 खत्म हो जाएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें 13 नंबर में क्या प्रूव करने के लिए है 1 + a² - b² इतना लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में बराबर क्या प्रूफ करना है 1 + a² + b² का होल क्यूब प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ LHS में जो था लिख लिए लिखने के बाद देखिए इसमें पहला काम करना क्या है इस R1 में कुछ करना था क्योंकि हमको कॉमन जो लेना है सबसे पहले ये दिमाग में सेट करना है कि हमको 1 + a² + b² लाना है तो कैसे लाएंगे। तो इस R1 में क्या कुछ किए हैं R1 में क्या किए R1 + BR3 मतलब R3 में B से गुना करके R1 में जोड़ दिए और एक ही साथ थे कि R2 में भी कुछ कर देते हैं। R2 में क्या किए हैं तो R2 में ही R3 में A से गुना करके R2 में से घटा दिए हैं R2 - AR3 है। तो इस तरह से यदि हम लोग करते हैं तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो में R1 में कुछ किए हैं क्या किए हैं तो BR3 इसमें B से गुना करेंगे यदि B से इसमें गुना करेंगे तो 2B² होगा और 2B² को इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 1 + a² है ये है यहाँ माइनस में B² यहाँ प्लस में 2B तो दो ठो से एक ठो चल जाएगा एक ठो बचा तो 1 + a² + b² यहाँ पर यदि B से गुना करें तो -2ab इसमें जोड़ेंगे तो ये प्लस में 2ab ये माइनस में 2ab कट के क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए ठीक से यहाँ पे समझिए यहाँ पर B से यदि गुना करें तो प्लस में B -a² और -b² दोनों को क्या करना है जोड़ना है इसको यदि इसमें जोड़े तो यहाँ माइनस में 2b यहाँ प्लस में एक ठो बी तो दो ठो बी में से एक ठो बी चल जाएगा तो माइनस में बचा बी बचा माइनस में बी इसमें बी से गुना किए थे तो माइनस में BA² - BA² पहले से था बी से गुना किए क्या हो गया बी क्यू हो गया। तो देखिए -b - BA² - BQ है हो गया। इसी तरह से R2 में क्या किए हैं तो R3 में A से गुना करके उसमें से घटा दिए तो घटाए तो क्या आ गया 0 यहाँ 1 + a² + b² यहाँ क्या आ गया a + a³ + b² जिस तरह से R1 है उसी तरह से R2 को घटाए हैं इसमें खाली R1 में जोड़ दिए थे इसमें घटा दिए R3 को तो कुछ नहीं किया तो 0 का क्यों देखिए लिख दिए लिखने के बाद तब क्या किए R1 में 0 का त्यों है ये है यहाँ तो हमको लाना है 1 + a² + b² तब जाके कॉमन आएगा तो इसमें देखिए -b कॉमन ले लिए क्या ले लिए -b कॉमन तो माइनस निकल गया बाहर तो हर जगह प्लस हो गया बी निकल गया तो 1 + a² + कितना b² फिर तो दूसरा रो में देखिए यहाँ 0 है ये है 1 + a² है ये है इसमें से क्या किए a कॉमन ले लिए यहाँ पर यदि a निकालने के बाद यहाँ 1 + a² + a निकल गया b² तो देखिए a + 1 + a² + b² है। R3 को कुछ नहीं किया 0 का क्यों ले लिए। अब देखिए यहाँ R1 में इस R1 में 0 में तो समझिए सब कुछ गुना रहता है यहाँ भी है तो 1 + a² + b² इस R1 में से कॉमन लेंगे फिर इस R2 में से अभी 1 + a² + b² कॉमन लेंगे देखिए लिख दिए है कॉमन a1 + a² + b² इन R1 एंड R2 R1 और R2 में दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग 1 + a² + b² अब आगे देखिए इसमें कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचता है 1 यहाँ 1 बचा यहाँ क्या बचा 0 यहाँ -b यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ a यहाँ 2b - 2b 1 - a² - b² बच गया। अब यहाँ पर देखिए एक ठो ये और एक ठो ये मिलके क्या को दू गो देखिए स्क्वायर दे दिए पावर हो गया पावर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अब इसको सॉल्व करने का आप लोग खुद मास्टर हैं कि 3 × 3 का डिटरमिनेंट कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं 3 × 3 का लेंगे तो 1 को लेंगे देखिए लिए 1 इस पूरे रो इस पूरे कॉलम को छोड़ देंगे 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा 1 - a² - b² इसको गुना करेंगे तो a गुना a मिलकर 2a²
माइनस इसका माइनस फार्मूला का, माइनस माइनस मिलके प्लस टू ए स्क्वायर हो गया। फिर किसको लें, जीरो को, जीरो इंटू कुछ भी लिखेंगे, जीरो है तो नहीं लिखे छोड़ दिए, जीरो इंटू कुछ भी करेंगे जीरो। फिर क्या लेंगे, माइनस बी, देखिए ले लिए माइनस बी, माइनस बी लिए तो फिर इस पूरे रो को, इस पूरे कॉलम को छोड़ देंगे, जीरो को गुणा किए माइनस टू ए से तो जीरो हो गया, और टू बी को गुणा किए वन से माइनस टू बी हो गया। अब यहाँ पर इसको वन से गुणा करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वन माइनस में टू ए स्क्वायर, यहाँ प्लस में दो गो से वो चल गया, प्लस में बचा ए स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, बी गुना टू बी मिलके टू बी स्क्वायर, यहाँ पर टू बी प्लस में, यहाँ एक बी माइनस में घट गया, एक बचा प्लस में, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दो ठो यहाँ एक ठो यहाँ मिलकर क्या गो हो गया, तीन गो, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यू हुआ। इस तरह से देखिए आपके आरएचएस में यही प्रूफ करने के लिए, ठीक है। इसको ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण 4.2 को थोड़ा सा आप लोग चार पांच बार बनाइए, क्योंकि इससे एक ठो क्वेश्चन लॉन्ग और एक ठो शॉर्ट, दो ठो क्वेश्चन पूछने वाला है अब की बार, ठीक है। इस 4.2 को आप लोग अच्छा से बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए हम बताते हैं आपको 14 नंबर का, तो सोल्व कीजिएगा। 13 नंबर तक हो गया है, 14 नंबर को देखिए क्या प्रूफ करने के लिए है। ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी इतना लिखा हुआ है, क्या प्रूफ करना है, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछता है क्वेश्चन कभी कभी। इसमें देखिए हिंट हम दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा अपने से, ऐसे हिंट दे रहे हैं। एलएचएस में क्या लेंगे, जो लिखा हुआ क्वेश्चन वो ले लिए, ले लिए। अब उसमें क्या किए हम, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस वन तो है, ये है ही, ए बी में ए बी प्लस जीरो लिख सकते हैं, जीरो से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ए सी प्लस जीरो लिखेंगे, लिख दिए। अब देखिए फिर ए बी में क्या किए, ए बी प्लस जीरो लिख दिए, यहाँ बी स्क्वायर प्लस वन है ये है, बी सी प्लस क्या लिख दिए, जीरो लिख दिए। यहाँ पर सी ए है ये है, सी ए में क्या किए प्लस जीरो लिख दिए, बी सी में प्लस जीरो कर दिए, और सी स्क्वायर प्लस वन है ये। अब कहिए सर ऐसा क्यों किए, इसको दूसरे मेथड से भी बन सकता था, लेकिन उसको इस तरफ हम इसलिए ले जा रहे हैं कि आप लोग को याद होगा एक तो हम प्रॉपर्टी लिखाए थे कि यदि किसी में सब संख्या जुटा, याद कीजिए आप लोग, इसमें जुटल था अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, इसमें बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री, यहाँ गामा वन गामा टू गामा थ्री। यदि किसी को याद नहीं है तो प्रॉपर्टी में जाके देख लीजिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट जिस समय लिखाए थे उसमें लिखा हुआ है कि अल्फा वन अल्फा टू, पर पहला वाला में क्या जोड़े थे, इसको हम क्या मानेंगे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, इसको क्या मानेंगे बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री, इसको क्या मानेंगे गामा वन गामा टू गामा थ्री। अब इसको सेपरेटली करेंगे अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में, इसको जो हम लोग विस्तारित किए थे तो कितना 6-7 को आया था, क्या कैसे भूल गया होगा, इसको ढक देते थे एक बार, इसको ढके इसको लेते थे, और फिर इसको ढकते थे इसको लेते थे, इसको भूल जाते थे, फिर इसी तरह से सबको अलग अलग तोड़ते थे। 7-8 गो टर्म आता था, उस 7-8 गो टर्म में देखना जिसका 2 गो रो या 2 गो कॉलम समान होगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, रेस्ट को सॉल्व करेगा इसका आंसर एक ही बार में ये आ जाएगा। लेकिन सिर्फ जब तक वो प्रॉपर्टी नहीं याद रहेगा तब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं, और प्रॉपर्टी यदि याद नहीं होगा तो उसमें प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट का जो क्लास होगा उसमें जाके फिर से उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए 15 नंबर हम देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि ए एक 3×3 कोटि का वर्ग आव्यूह हो तो डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू ए का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को तो हमको 1% देखने का भी मन नहीं करता, लेकिन करे क्या, मजबूरी है, क्योंकि तुम लोग को उल्टाने का फुर्सत है नहीं कॉपी। यदि फेयर कॉपी बनाया होगा तो देखना, एक वीडियो हम बनाए थे रामबाण करके, उसमें दिया हुआ होगा रामबाण तरीका, उस रामबाण तरीका में इसको इतना क्वेश्चन इस पर हम सोल्व किए हैं 3-4 टाइप से, और लैंग्वेज में खाली लिखा देखिए इसका। यदि ए एक 3×3 कोटि, मतलब ऑर्डर दे दिया ये 3×3 कोटि दिया हुआ है, किसका मान निकालना है के इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो क्या बोले थे कि के को बाहर करना, जो गुना रहेगा जो चीज गुना है उसको क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो के को बाहर किए, जितना ऑर्डर है किस ऑर्डर का ये है 3×3 का, तो के पर पावर कितना देंगे 3,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया आंसर एक बार में। समझ में आया? यदि नहीं आया तो जाकर के उसको देखिए उस रामबाण तरीका को कि कितना क्वेश्चन इस पर हम सॉल्व किए हैं कि 3x3 में सिर्फ क्या करना है, जो गुना है उसको बाहर कर लेंगे, जो ऑर्डर है उसको पावर दे देंगे, इतना लिख दिया, काम खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखिए लास्ट। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है सारणी, सारणी एक वर्ग आवयु है। अब देखिए वर्ग आवयु हम लोग किसको कहेंगे, ये है वर्ग आवयु, जैसे 2, 3, 4, 5 वर्ग, तो क्या यही वर्ग आवयु सारणी है? नहीं है। हम लोग क्या करते हैं उसके एलिमेंट से जो बनाते हैं 2, 3, 4, 5 और इस चिन्ह के अंतर्गत लाते हैं, तो ये सारणिक है, ये आवयु है, आवयु ही सारणिक थोड़ा है। इसमें कह रहा है कि सारणिक एक वर्ग आवयु है, तो गलत है ये उत्तर, नहीं है। दूसरा बात क्या कहता है, सारणिक एक आवयु से संबंध एक संख्या है। ये बात तो सही है लेकिन पूरा पूरा सही नहीं है, क्योंकि देखिए ये क्या है 1, 2, 3 आवयु है और इसी एलिमेंट से फिर हम देखिए बनाते हैं 1, 2, 3 ये डिटरमिनेंट का चिन्ह है, लेकिन देखिए इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सारणिक जो होता है उसमें क्या होता है, रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है। इसके एलिमेंट से संबंध तो रखता है लेकिन वर्ग नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गया, कैंसिल। तीसरा क्या कहता है, सारणिक एक वर्ग आवयु से संबंध एक संख्या, हाँ ये सही है, क्योंकि सारणिक एक वर्ग आवयु जो होगा, इसलिए वर्ग आवयु देखिए है, वर्ग आवयु है और इसी के जो नंबर है संख्या उसी संख्या से ये बना हुआ है, बना हुआ है ये 3 नंबर, इसका मतलब ये क्या है, सी नंबर इसका सही है, क्योंकि सी नंबर इसका सही है क्योंकि ये जो है एक वर्ग आवयु के संबंध से ये बना हुआ है। इसका आंसर क्या हो गया, सी नंबर। तो 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप लोग VBI मानिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो कि इतना बार इसको VBI लिखे हैं कि रामबाण तरीका जो लिखा हुआ है वीडियो, उसको जाकर एक बार देखिए कि इस कितना टेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चन बताए। तो इस तरह से आप लोग का ये 4.2 आज खत्म हो रहा है। अब नेक्स्ट क्लास जो अगला होगा उसमें आगे चलेगा, तो थोड़ा सा आप लोग को यदि इसमें 14 नंबर में कहीं प्रॉब्लम हो नहीं बने तो कॉमेंट बॉक्स में जाकर के आप कॉमेंट करें, या बुक का सहारा लें, या मेरा प्रॉपर्टी जो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट उससे जा करके उस वीडियो को पुनः देखें और उसे समझने का प्रयास करें। यदि कहीं दिक्कत हो तो आप लोग बताएं, लेकिन लगता है आप लोग जा करके पूरा पूरा लॉकडाउन में लॉकडाउन हो गए हैं, कुछ कुछ तो सुचारू रूप से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन बहुत आदमी शुरू हो गया है, कभी इस बात पर ध्यान देता है कि क्लास हो रहा है नहीं हो रहा है, कभी जा करके चैनल को चेक करें कैसा सर डाले हैं फिर से नया वीडियो, लगता ही नहीं कि तुम लोग चेक करता है, उसको जाकर के तुम लोग बराबर चेक करेगा, देखेगा कि वीडियो डाले कि नहीं डाले, और नए नए जो वीडियो डालते हैं उसको आप लोग इसे पढ़ें, और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कर दें, यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।